क्या हो रही? तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? चल गुरु, हो जा शुरू। ओए, ये नारियल कहाँ से गिर रहे हैं? चड्डा अंकल। ओए वीर, बचाओ, ये मेरे ऊपर कहाँ से आ गए? उतारो इन्हें। कोई रोको इसे। चुलबुल रुक जा। अचानक इस तरह अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो कभी किसी को परेशान नहीं करते। पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। कर रहा है? कहीं वीर की इस बिहेवियर के पीछे उसका हाथ तो नहीं? दादाजी को बुलाना होगा। Come on, let's dance with the music. जी, वो देखिए, वीर आज कैसे बिहेव कर रहा है। मैंने टिम्बकटू को यहाँ देखा था, जरूर उसी ने वीर को कुछ कर दिया है। वीर का दिमाग उसके बस में नहीं है, उसे घर लेकर चलना होगा। वीर, इधर आओ वीर। चोर भी यही कहीं होगा। जिंटू, हमें ये डायमंड उस चोर से किसी भी हालत में बचाना है। वो ये डायमंड चोरी कर ही नहीं पाएगा। वो कैसे? उसे पता ही नहीं चलेगा कि असली डायमंड कहाँ है। ये देखो, इसे मैं लूंगा, मैं लूंगा। ये मेरा है। मुझे दो, मेरा है, छोड़ दो। हीरा मेरा है। जिंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? असली हीरा मेरे पास है। चोर अब नकली हीरा लेकर चला जाएगा और फिर हम असली हीरा वापस रख देंगे। जिंटू, हम ऐसा जादू नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए कि मेरे पास एक जिन है? सब कुछ वैसे करो जैसे पहले था। ओके बॉस, जैसा तुम कहो। टाइम खत्म हो गया है, प्लीज सब बाहर जाइए। कल सुबह 10 बजे फिर एग्जीबिशन खुलेगा। ये देखना होगा कि यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम क्या लगा है। Mama!
घबराने की कोई बात नहीं है। रेड डायमंड के चारों तरफ अदृश्य लेजर बीम्स है, कोई भी उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। देखते हैं नटवर लाल कैसे ये हीरे की चोरी करता है। तुम एक रोबोट हो और रोबोट को सपने नहीं आते। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन दादाजी मुझे आज ही सपने देखने हैं। जिंटू को बुलाओ, अब वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। तक दिना दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बेन। जिंटू, वीर को सपने नहीं आते, वो और बच्चों की तरह सपने देखना चाहता है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी सपने दिखा देता हूँ चुटकी बजा के। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, वीर को सपने रात में आए झम झम। दादाजी, आज मैंने सपना देखा, कितना मजा आ रहा था। अच्छा, जरा बताओ तो क्या सपना देखा। मैंने देखा कि आप टोकरी भर के गाजर चुलबुल को दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गाजर लेकर डाइनिंग टेबल पे बैठ के फोर्क और नाइफ से उसे खाता है। कहीं सपने में ये टोकरा तो नहीं देखा था। हाँ दादाजी, ऐसा ही था। चुलबुल, ये लो तुम्हारे लिए इतनी सारी गाजर। दादाजी, बस एक ही खाऊंगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है। दादाजी, मैंने तो यही सपना देखा था, ये सच कैसे हो गया? एकदम यही सपना देखा था मैंने। कहीं जिंटू के जादू की वजह से सपने की जगह तुम फ्यूचर तो नहीं देख रहे? अगर ये बात है तो इमली के गांव को बचाना होगा। मैंने सपना देखा कि इमली के गांव में टीडियन ने हमला कर दिया है और सारी फसल खाने जा रही है। वीर, मेरी मम्मी बहुत परेशान है, पापा ऑफिस के काम से टूर पे गए हैं और गांव वालों ने फोन पे खबर दी है कि टिड्डियां आने वाली है। जिंटू, जल्दी से कुछ करो, इमली के खेतों की फसल को टिड्डियों से बचाओ। ये लो, हो गया काम। क्या किया तुमने? वो टिड्डियां गांव से यहां बुला ली है, यहां फसल ही नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या। वाह वाह, मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। क्या हुआ बॉस, आप अचानक इतना खुश क्यों हो गए? फुर्सतगंज में रोबोट एग्जीबिशन है तो प्रेम सहाय और उसका रोबोट वहाँ जरूर आएंगे। तो मेरा ये मैग्नेटिक रोबोट लेकर जाना। जैसे ही डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट वहाँ आए, इस रोबोट को कमांड देना। है। हाँ इमली, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। वीर बेटा, सब रोबोट्स को ध्यान से देख के उनके सिस्टम को स्टडी करो, ये सब इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी काम आती ही है। हाँ
प्रेम सहाय का रोबोट ब्लू जैकेट में, उसे पकड़ लो। कोई रोको उस रोबोट को। छोड़ दो, वीर को छोड़ दो। इमली उसका पैर छोड़ दो, इमली छोड़ दो उसे। अंकल ये ट्री हमारा है, हम हर साल इसके आम खाते हैं। आपने इस ट्री को अपने बंगले का क्यों कर लिया बताइए? तुम कौन होते हो पूछने वाला? चले जाओ वरना मेरा बटरफ्लाई तुमको भी फ्लाई कर देगा। वो देखो दोनों वापस आ रहा है। मैं उन्हें अभी दुलाटी मार के भगा देता हूँ। वीर बचाओ, वीर हेल्प, जिंटू हेल्प। थैंक यू जिंटू, थैंक यू वेरी मच। हम हार नहीं मानेंगे, आम तोड़ के ही रहेंगे। मैं चुटकी बजा के सब आम इधर गिरा देता हूँ, वो रखे पेड़ को अपने पास। नहीं जिंटू, अब ये आम की बात नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। वो अंकल जो कर रहे हैं वो गलत है और हम उन्हें ये गलत काम नहीं करने देंगे। आज वो हमें रोक रहे हैं, कल वो फुर्सतगंज के किसी बच्चे को ये आम नहीं खाने देंगे। समझा, तुम ही करो जो करना है, अब मेरी मदद मत मांगना। वेरी गुड वीर, अब हम खूब आम खाएंगे। वीर, वो मुन्नू के लिए विंग्स बनाए थे ना, उसे लगा के उड़ते हुए जाओ और आम तोड़ लो। यस। ये बच्चे हैं या मुसीबत, लेकिन मैं भी इन्हें आम तोड़ने नहीं दूंगा।
मछली खतरे में है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो मगरमच्छ तुम्हें भी खा जाएगा। तुम भी मेरे साथ चिल्लाओ, बचाओ, कोई कोई हमें बचाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है और ये मेरे दोस्त इमली और चुलबुल है। वो देखो बंटी, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यहाँ भी आ गया। अच्छा, तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो मैं छुड़ा देती हूँ। बिजली! क्या ये इंसान तुम्हें तंग कर रहे हैं? दूं क्या करंट के झटके? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं वीर, इमली और चुलबुल। वो देखो उधर जो तीन लड़के आ रहे हैं ना, उन्हें देना अपने झटके। वरना ये सब इधर भाग के क्यों आ रही है?